वीडियो में एक बार फिर आप सीखने वाले हैं 10 ऐसे यूनिक सेट ऑफ वर्ड जिनसे आप और भी कई सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है और जो सेट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो कमेंट में लिख के जरूर बताना है। Hey guys, welcome to Continue की classes by EnglishConnection.online। आज के इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हैं वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, तो एक भी सेकेंड स्किप मत कीजिएगा और पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप इन सारे के सारे सेंटेंसेस को बेहतर ढंग से समझ पाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं टेक आफ्टर देन समबडी। इसका क्या मतलब होता है? ये आप तब यूज करते हैं जब वाक्य में ऐसे शब्द आए शक्ल या व्यवहार से किसी पर गई है या गया है। जैसे कि आप बोलते हैं ना किसी के लिए कि वो अपनी माँ पर गया है, वो अपने पिता पर गया है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए अब जो आप वर्ड्स यूज करेंगे वो होंगे टेक आफ्टर। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। रोहन अपने पापा पर गया है, रोहन टेक्स आफ्टर हिज फादर। बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको किसी को ये बताना हो कि ये उस पर गया है, ये अपने दादाजी पर गया है, तो आप टेक आफ्टर का यूज कीजिए। रोहन क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो रोहन के साथ टेक यानी कि वर्ब में एस जुड़ गया, ये हो गया टेक्स। रोहन टेक्स आफ्टर हिज फादर। अगला है मेरी बेटी मुझ पर गई है, माय डॉटर टेक्स आफ्टर मी। और अगर मैं यहाँ पे ये बोलती मैं अपने पापा पर गई हूं तो मैं बोलती आई टेक आफ्टर, तब एस न लगता, आई के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता, तो मैं बोलती आई टेक आफ्टर माय फादर। ओके, नेक्स्ट इज एवरी नाउ एंड देन। ये आप कब यूज करेंगे? ये आप तब यूज करेंगे जब वाक्य में ऐसे वर्ड्स आए जब देखो तब, या फिर बात बात पर, घड़ी घड़ी में। ठीक है, ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम तो बात बात पर भड़क जाते हो, तो भड़कने के लिए आप यूज करेंगे अपटाइट। ठीक है, और आप बोलेंगे एवरी नाउ एंड देन यू गेट अपटाइट, एवरी नाउ एंड देन यू गेट अपटाइट। नेक्स्ट इज वो जब देखो तब रोने लगती है, एवरी नाउ एंड देन शी स्टार्ट्स क्राइंग, एवरी नाउ एंड देन शी स्टार्ट्स क्राइंग। नेक्स्ट इज स्ट्रेन एवरी नर्व। इसका मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब हर संभव प्रयास करना। तो अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया या फिर हर संभव प्रयास किया, तो आप यूज करेंगे स्ट्रेन एवरी नर्व। सेंटेंस देखते हैं, डॉक्टर्स बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ आप स्ट्रेनिंग बोलेंगे। आप बोलेंगे डॉक्टर्स आर straining every nerve to save the child, doctors are straining every nerve to save the child। और अगर आप ये बोलते हैं कि मैंने जॉब पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, I strained every nerve to get the job, क्योंकि ये past का sentence हो गया तो आप बोलेंगे I strained every nerve to get the job। okay, अगला है get on nerves। इसका मतलब होता है नाक में दम करना। तो अगर आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं बच्चों ने मेरी नाक में दम कर दिया, चिल्ड्रेन गॉट ऑन माई नर्व्स, क्योंकि ये पास्ट की बात है, चिल्ड्रेन गॉट ऑन माई नर्व्स। अगला है अ स्टोन्स थ्रो अवे। अवे यूज करें या फिर ना करें दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, तो आप दोनों बोल सकते हैं अ स्टोन्स थ्रो अवे या फिर अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है दो चार कदम की दूरी पर। तो जब कोई चीज बहुत ही पास हो तो आप इस तरीके से बोलते हैं बस दो चार कदम की दूरी पे है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे अ स्टोन्स थ्रो अवे या फिर अ स्टोन्स थ्रो। सेंटेंस है मेरा घर यहाँ से बस दो चार कदम ही दूर है, माई हाउस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम हियर, माई हाउस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम हियर। अगर आप कहते हैं कि मेरा ऑफिस ICICI बैंक से बस दो चार कदम की दूरी पे है, माई ऑफिस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम ICICI ऑफिस। ठीक है, इस तरीके से आप और कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे के सेट्स। अगला है acquainted with somebody। ये आप तब यूज करेंगे जब आप ये कहते हैं कि मेरी उनसे जान पहचान है, मतलब कि जान पहचान शब्द अगर आता है तो आप acquainted यूज करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, हमारी उनसे जान पहचान है, वी आर acquainted विद हिम, वी आर acquainted विद हिम। नेक्स्ट इज मेरी कल ही उनसे जान पहचान हुई है, तो अगर जान पहचान होती है तो उसके लिए आप गेट acquainted यूज करेंगे।
तो आप बोलेंगे आई गॉट अक्वेंटेड विद हिम यस्टरडे इटसेल्फ. आई गॉट अक्वेंटेड विद हिम यस्टरडे इटसेल्फ. गॉट अक्वेंटेड मतलब कि जान पहचान हुई. ठीक है, नेक्स्ट है वेल अक्वेंटेड विद समबडी. दैट मीन्स अच्छी जान पहचान होना. अगर आप ये बोलते हैं कि मेरी उनसे अच्छी जान पहचान है, आई एम वेल अक्वेंटेड विद हिम. ठीक है, सेंटेंस है मेरी मोदी जी से अच्छी जान पहचान है. आई एम वेल अक्वेंटेड विद मिस्टर मोदी. आई एम वेल अक्वेंटेड विद मिस्टर मोदी. ठीक है, इस तरीके से आप और सेंटेंस बनाइएगा. नेक्स्ट है गॉड विलिंग. ये आप तब बोलते हैं जब आप ऐसे वर्ड्स बोलते हैं अगर भगवान ने चाहा तो. ठीक है, अगर भगवान की इच्छा हुई तो वहां पे आप यूज करेंगे गॉड विलिंग. सेंटेंस है भगवान ने चाहा तो मैं वहां समय से पहुंच जाऊंगा. आई गेट देयर ऑन टाइम गॉड विलिंग. आई गेट देयर ऑन टाइम गॉड विलिंग. तो गॉड विलिंग आप लास्ट में भी बोल सकते हैं और पहले भी बोल सकते हैं. आप ऐसे भी बोल सकते हैं गॉड विलिंग आई गेट देयर ऑन टाइम. ठीक है, तो गॉड विलिंग लगाना है और बाकी नॉर्मल सेंटेंस. नेक्स्ट है फॉर गॉड सेक. ये आप तब यूज करेंगे जब आप कहते हैं भगवान के लिए या फिर भगवान के वास्ते. आप कहते हैं भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो. फॉर गॉड्स सेक लीव मी अलोन. तो आपने ये बोला फॉर गॉड्स सेक भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो. लीव मी अलोन भगवान के लिए मेरी पूरी बात तो सुन लो. फॉर गॉड्स सेक हियर मी आउट. अब आप सोचते हैं हियर मी आउट का यहाँ क्या मतलब है, मेरी पूरी बात सुन लो. तो हियर मीन्स होता है सुनना और हियर आउट का मतलब होता है पूरी बात सुनना. अगर आप किसी से कहते हैं हियर मी आउट दैट मीन्स मेरी पूरी बात सुन लो. जब तक मैं बोल रहा हूँ अपनी बात बता रहा हूँ तब तक आप इंटरप्ट ना करें. ठीक है, हियर मी आउट मेरी पूरी बात सुन लो. नेक्स्ट है ऑन या फिर अंडर. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्लस डूइंग समथिंग. डूइंग समथिंग यानी कि जो भी काम कर रहे हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आई एन जी एड कर देंगे. ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डूइंग समथिंग. ये आप तब यूज करेंगे जब सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आए के बहाने या फिर का बहाना बनाकर. ठीक है, सेंटेंस लेते हैं मैं दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर फिल्म देखने गई. तो ये पास्ट का सेंटेंस है. आपने बोला आई वेंट फॉर अ मूवी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ विजिटिंग अ फ्रेंड. दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर. ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ विजिटिंग अ फ्रेंड. तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई वेंट फॉर अ मूवी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ विजिटिंग अ फ्रेंड. या फिर आप यहाँ पे अंडर भी लिख सकते हैं. ठीक है, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ विजिटिंग अ फ्रेंड. ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये सारे के सारे सेट्स पसंद आए हों और अभी तक आपने अपना फेवरेट सेट कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा. मैं मिलूंगी आपसे मेरी अगली वीडियो में. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पर 120 से भी ज़्यादा डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियोज़ हैं और उसमें बहुत सारे वीडियोज़ में 100 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. तो अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आप उन्हें ज़रूर देखें. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि मैं ग्रामर लेसन्स भी लेकर आती रहती हूँ. तो आपकी इंग्लिश लर्निंग इस चैनल पर बखूबी हो जाएगी. फिर मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.